हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो आज अनबॉक्स ज़िंदगी में हम कुछ ऐसी जगह अनबॉक्स करने वाले हैं जिसका मतलब आप क्या बताऊँ मैं उसको। चलो वीडियो में ही दिखा देती हूँ आपको। पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे होंगे। ओह माय गॉड, धूप बहुत है। सो मैं आज आई हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सुकून भरी लाइफ है। मतलब कहा जाता है कि 6 महीने में या साल भर में एक बार तो यहाँ पे ज़रूर आना बनता है। चलो पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना। का नाम है प्रभु फार्म। ये एक रिजॉर्ट है, मतलब पूरे ऐसे विलास बने हुए हैं। 1 BHK 2 BHK है। ये देख रहे हो आप, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ तक है ये। ये जो सामने लंबा देख रहे हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है रिसेप्शन काउंटर। ये देखिए इस तरह का विला होता है ये। ये जो है ये हमारा कॉटेज है। अंदर से भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत सारी एमिनिटीज भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पर डे कितना चार्ज है, कहाँ पर है, कितनी दूर है, सब आपको आगे वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। Let's go guys. हम लोग ने जो ये है पूरा 2 BHK का विला लिया हुआ है। फगोट मैसलुक, ये पूरा लिविंग एरिया है। किचन है। बैकयार्ड है ये। ये दूसरा रूम है। ये जो सामने है वो दूसरा कॉटेज है। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे कुछ एमिनिटीज है वो दिखाती हूँ आपको। चलिए ले चलती हूँ आपको। सो ये जो है वो है इंडोर स्विमिंग पूल। ये बाहर की तरफ आउटडोर स्विमिंग पूल। ऑफकोर्स बाहर है तो आउटडोर ही हुआ ना। ये देखिए कितना बड़ा है। और यहाँ पे थिएटर भी है, तो चलिए मूवी का मज़ा लेते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी मूवी चल रही है। मैंने अंधेरे के साए में बताइए अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार का। अच्छा चलो प्राइस भी दूंगी आपको। हे गाइस, सो जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। बारिश का मौसम हो चुका है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना ब्यूटीफुल वेदर है यहाँ का, यहाँ से जाने का मन नहीं होगा आपका। अगर आप लोग राजकोट की तरफ से आ रहे हो तो राजकोट से तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर
दूर होगा ये। एंड अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हो देन चोटीला के बाद 15 या 20 किलोमीटर्स दूर जाने के बाद ये आता है। रोड पे ही है ये। पर नाइट का तकरीबन 4,500 रुपये इसका अभी रेट है। एंड डिपेंड कि आप किस सीज़न में आते हो। अगर दिवाली का सीज़न है देन इट्स 6,000 to 7,000। 4,500 में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है बट डिनर और लंच इंक्लूड नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करवाना पड़ेगा। एमिनिटीज़ में यहाँ पे बहुत ही अच्छा जिम है, इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, स्विमिंग पूल है। हे गाइस, सो मैंने आपको पूरा विला दिखाया है यहाँ पे। बेस्ट सीज़न जो है वो है मानसून एंड विंटर। ऑफकोर्स समर में आप आओगे लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा। बेस्ट जो सीज़न है वो मानसून है और विंटर है। सो आप आइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा विला है ये। एंड बहुत मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट में बहुत 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 मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मेरा तो पूरा दिन वसूल हो गया एंड बहुत मज़ा आया। देखते हैं अगर आगे कल रुकेंगे या नहीं, स्टे करेंगे कहीं नहीं। यहाँ पे अगर आपको आजू बाजू में कहीं घूमना है तो यहाँ से थोड़े ही दूर घेला सोमनाथ करके एक महादेव का मंदिर है। घेला सोमनाथ में भी कॉटेजेस है, वहाँ गवर्नमेंट के कॉटेजेस है, तो पर कॉटेजेस का 500 रुपीज़ चार्जेस है। वहाँ पे खाने का भी आपको बंदोबस्त मिल जाएगा। लेकिन अगर हाँ, घेला सोमनाथ में अगर आप रुकते हो, आजू बाजू में आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज़ पूरा मतलब गांव है, गांव का इलाका है। तो आजू बाजू में अगर आपको ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर महादेव के मंदिर में ही आपको खाने का और वो सब आपको मिल जाएगी फैसिलिटीज़, लेकिन आजू बाजू में कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर वहाँ पे रुकने का प्लानिंग है तो कुछ साथ में लेके ज़रूर जाइएगा। अदरवाइज़ वहाँ पे तो आपको कॉटेजेस में आप जो बोलोगे वो बना के ही देंगे, लेकिन सिंपल खाना मिलेगा। ज़्यादा इतना वो नहीं मिलेगा कि आप जो डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा, सिंपल खाना मिलेगा। देखिए बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेदर है। प्रभु फार्म्स नाइट व्यू, रियली गाइस, इतनी शांति है यहाँ पे। अगर फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक दो दिन का वीकेंड स्पेंड करने का प्लान हो तो इससे अच्छी जगह मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही है। अगर आप अहमदाबाद, राजकोट या इसके आसपास के नज़दीकी शहर में सिटीज से बिलोंग करते हो तो ये बेस्ट है। ये आवाज़ सुन रहे हो गाइस? सच में अगर ऐसी आवाज़ रात के अंधेरों में सुनसान सड़कों पे अगर सुन ली ना, लिटरली फटी की फटी रह जाएगी आपकी। बहुत ही शांत जगह है अभी क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न में आए हुए हैं और इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। बट आई थिंक इट्स अ बेस्ट पार्ट कि आप मुझे ज़्यादातर क्या है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं दिवाली या फेस्टिवल सीजन में जाना अवॉइड करती हूँ। बट यार दिस इज ऑसम गाइस, ऑसम। बहुत ही शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। सो गाइस, रात का व्यू मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी आपको कि अगर आप 2 BHK विलास लेते हो दो फैमिलीज़ के बीच में या 3 फैमिलीज़ के बीच में, तो वो आपको बहुत ही रिजनेबल पड़ेगा बिकॉज़ 2 BHK में क्या है कि डिवाइड हो जाता है, जो रेंट होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। एंड यस ऑफकोर्स काफ़ी बड़े हैं विला, सो अगर 2 या 3 फैमिलीज आ रही है तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और ज़्यादा आपको रिजनेबल पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेकंड डे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आजू बाजू में देखने के लिए घेला सोमनाथ एक शिव जी का मंदिर है, चोटीला है, माता जी का मठ है, मतलब हिल पे है। सो यहाँ से हम लोग अभी चेकआउट करने वाले हैं एंड जाने वाले हैं घेला सोमनाथ। अगर हो सके, पॉसिबल हो तो मैं वहाँ का भी व्लॉग आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो बने रहे मेरे साथ, अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं यहाँ से। एंड बहुत ही खुशनुमा एटमोसफियर है, बहुत ही अच्छा, मतलब बारिश की सिरें तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है,
बहुत ही अच्छा मौसम है। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय गाइस। सो जाते जाते एक बार फिर से आ गई हूँ, जो आपको मैं दिखाना चाहती थी, लुक एट दिस गाइस, रेन थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, एंड देखिए यहाँ का माहौल, वाओ जस्ट ऑसम, ओ माय गॉड, ये आवाज़ सुनी आपने? ओ माय गॉड, जस्ट ऑसम गाइस, जस्ट ऑसम। सो गाइस, अनबॉक्स जिंदगी से मैं विदा लेती हूँ आप सबकी, मिलते हैं जिंदगी के नए मुकाम पे, नए मोड़ पे, कुछ नया अनबॉक्स करने के लिए। तब तक के लिए अपने दोस्त को दुआओं में याद रखना, और हाँ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, कमेंट कर दो, आप सबका जितना हो सके उतना प्यार दो यार, प्लीज़ 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 गाइज़।